बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। ए वो जान गए कि आप हमारे साथ रखे मेरे पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं ताकि भ्रष्टाचारी हो। तो देखिए प्रधानमंत्री जी के जुमलेबाजी को सभी लोग जानते हैं। केवल बिहार के छवि को खराब करने के लिए कि गठबंधन का सरकार आ गया तो बहुत गलत हो गया, इसके लिए मीडिया सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो हमारे भाजपा गवर्नमेंट है केंद्र में उसके इशारे पर कार्य करते हैं। देश में 300 एमपी हैं भाजपा के, 1000 से ऊपर एमएलए हैं भाजपा के पूरे देश में, लेकिन आज तक आप लोगों ने सुना है कि कहीं पर किसी के यहाँ रेड हुआ? सीबीआई हो, आईबी, ईडी हो, आईटी हो, मतलब इनकम टैक्स हो, ये एक सीबीआई, ये टोटल भाजपा के एक विंग के रूप में कार्य कर रही है। जो आरएसएस का 12 विंग है जिसमें एक भाजपा है, उसी तरह से 3 इसको भी आप जोड़ लीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो भी एक बीजेपी का विंग के रूप में कार्य कर रही है। और बिहार में उनका मात्र एक उद्देश्य है सीबीआई का कि किसी तरह से किसी मामले में डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी को फंसा दिया जाए, और इसमें वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जितना किसान का सेवा हो सकता है हम कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। बिस्कोमान को मात्र इफ्को उर्वरक देती है, और हम लोगों ने एक मापदंड स्थापित किया है इस राज्य में और किसानों के बीच में एक प्रतिष्ठा अर्जित किया है कि अगर मेरे गोदाम में अगर आपको यूरिया है, अगर डीएपी है, तो निर्धारित मूल्य पे ही मिलना है। और जब भी बिस्कोमान में जब भी खाद आया है तो किसानों को निर्धारित मूल्य मतलब 265 रुपया में ही यूरिया मिला है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियां हैं। आज इस राज्य में गठबंधन की सरकार है, आप लोग भी जानते हैं कि मैंडेट तो मिला था आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, राष्ट्रीय जनता दल को मैंडेट मिला था, किसी कारणवश हम लोग सरकार बनाने में असफल हो गए। लेकिन आज वो मौका आया है, आज हम लोग माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, गठबंधन की सरकार बनी है। और सबसे पहले जो इनका विजन है और इनका ये कहना है कि जो किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है, सब समय उसको बीज नहीं मिलता है, और भी जो उसकी समस्याएं हैं, अभी आप जानते ही होंगे यहाँ पर अभी आधे जिले सुखाड़ में हैं और आधे जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। वैसे परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कौन सा कार्य कर सकती है किसानों के लिए, यह दिन रात इस पर मंथन चल रहा है और आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। कि जो आप किसानों का शिकायत सुनते हैं कि हमारा धान नहीं लिया गया, हमारा गेहूं नहीं लिया गया, हमको जो निर्धारित मूल्य है वो पैसा नहीं मिला, तो ये आगे आगामी आने वाले 2-4-5 महीने में अब आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। सरकार प्रयासरत है किसानों को सब समय खाद मिले, सब समय बीज मिले, और इसके लिए आपको पता है कि हमारे आदरणीय मंत्री सुधाकर जी संकल्पित हैं कि किस तरह से हम किसानों के जो मूलभूत समस्या है उसको हम किसी तरह से सुलभ कर सकें, उनको ब्लैक का सामना नहीं करना पड़े, सब समय उनको उर्वरक मिले, सब समय उनको बीज मिले। तो यही हम लोगों का विजन है, हम लोग इसी चीज़ में दिन रात लगे हुए हैं। हमारे जो माननीय विधायक हैं इनका लगातार फोन आता है, जब भी यहाँ उर्वरक का क्राइसिस होता है लगातार बिस्कोमान में फोन करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप बिस्कोमान के माध्यम से यहाँ के उर्वरक को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में वितरित करें। सर ये तो सहकारिता और किसान से जुड़ा हुआ सवाल हुआ, चूँकि आप लालू परिवार के बहुत करीब भी हैं और सीबीआई ने आपके यहाँ छापा भी मारा था, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये राजनीति? देखिए आपको पता होगा कि हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, या देश में क्या है, देश में 300 एमपी हैं भाजपा के, 1000 से ऊपर एमएलए हैं भाजपा के पूरे देश में, लेकिन आज तक आप लोगों ने सुना है कि कहीं पर किसी के यहाँ रेड हुआ? तो आज जो स्थिति है, सीबीआई हो, आईबी, ईडी हो, आईटी हो, मतलब इनकम टैक्स हो, ये एक सीबीआई, ये टोटल भाजपा के एक विंग के रूप में कार्य कर रही है। जो आरएसएस का 12 विंग है जिसमें एक भाजपा है, उसी तरह से 3 इसको भी आप जोड़ लीजिए। और हम तो ये भी कहेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग जो हैं, हम प्रिंट मीडिया की बात नहीं करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो भी एक बीजेपी का विंग के रूप में कार्य कर रही है। जो काम
सरकार को करना है, जो काम बीजेपी को करना है, बगैर किए ही वो इस तरह से प्रचार करती है, इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिससे दिन पर दिन उनकी प्रतिष्ठा में ह्रास होता चला जा रहा है। आज सीबीआई की बात कीजिए, ईडी की बात कीजिए, इनकम टैक्स की बात कीजिए, उसके बारे में कोई भी जनता से आप अगर बात करते हैं तो उनकी धारणा बिल्कुल बदल चुकी है। सभी लोग जानते हैं कि यह प्रतिशोध के रूप में कार्य करती है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा, 8-10 दिन पहले जो पूरे 21-22 जगह रेड हुआ पटना में, उनको क्या प्राप्त हुआ? जिस दिन हमारा फ्लोर टेस्ट था, जिस दिन सभी लोग शक्ति परीक्षण कर रहे थे, और उसी दिन सुबह सुबह रेड हो जाना सभी जगह पर, और उनको मिला क्या? तो देखिए, यह बदले की भावना से कार्रवाई करती है, और बिहार में उनका मात्र एक उद्देश्य है सीबीआई का, कि किसी तरह से किसी मामले में डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी को फंसा दिया जाए, और इसमें वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये जो सीबीआई है, इसका पूरे जनमानस में जिस तरह से लोकप्रियता घटता जा रहा है, आपने भी देखा होगा टीवी पर जबरदस्ती किसी को फंसाने का कार्य कर रही है आज की सीबीआई। तो देखिए, ये बिल्कुल तरह से इस देश में जो कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, इसमें जिस तरह से ईडी ने अपनी भूमिका निभाई है, यह बिल्कुल समझिए कि एक एक जनता इस देश का जान चुकी है, और इनका दाल गलने वाला नहीं है। आगामी जो 2024 में यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव होना है, आपको परिणाम साफ दिखेगा। नीतीश जी की और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, ये तो कमाल दिखाएगा। जो 40 एमपी का सीट है, शायद गलती से अगर एक भाजपा को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, मेरा सवाल है कि आप बोल रहे हैं सीबीआई प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, कई राज्यों में सीबीआई की एंट्री पे राज्य सरकार ने रोक लगाया है, क्या आपकी सरकार इस पर विचार कर रही है? देखिए, आज आपने सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, आपने देखा होगा कि न तो हम भ्रष्टाचारियों को कभी बचाते हैं और न तो उसको फंसाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होती है, और देखिए हाल के दिनों में आपने देखा होगा, और यह तो सीख सीबीआई को लेना चाहिए, ईडी को लेना चाहिए, कि आप जिसके यहाँ रेड किए उसके यहाँ तो 2.5-3 लाख रुपये से भी कम मिले। सभी लोग जानते हैं, कोई भी मध्यम वर्ग आज बिहार का है, किसी के यहाँ आप रेड कीजिए, जरूर लोग अपने घर में खर्च के लिए, जो उसके बाकी जो आवश्यक कार्यों के लिए जो रुपया होता है, प्रत्येक घर में आपको 1-2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन वही अगर विजिलेंस ने किसी अफसर के यहाँ रेड किया, तो आपने देखा होगा कि 5 करोड़ रुपया उसके यहाँ प्राप्त किया। मतलब अगर विजिलेंस के रेड की बात की जाए तो 90% उसका 100% सही होता है, और सीबीआई का 90% गलत होता है, प्रतिशोध की भावना से होता है, राजनीतिक द्वेष से होता है, और अपने आके के इशारे पर वो रेड करता है। तो ये आपके सामने है, सारा कुछ है। तो देखिए, जो भ्रष्टाचारी है लोग, तो भाई आप तो देखे होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी का तो स्लोगन है, हम तो भ्रष्टाचारियों को बचाते ही नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी कमाल करेगी, आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पूरे देश में हम 50 सीट पर समेट देंगे, तो बिहार क्या कोई नया करामात करेगा क्या? देखिए, हम तो पूरे देश की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको पूरे गारंटी के साथ बता सकते हैं, और आप इसका इक्वेशन भी मिला लीजिए, जातीय इक्वेशन मिला लीजिए, और जनमानस में जो क्षोभ है बेरोजगारी को लेकर है, जो आप जिस तरह से महंगाई बढ़ता जा रहा है बेतहाशा, जिसे मध्यम वर्ग की बात करते हैं, कि मध्यम वर्ग के लोगों की कमर टूट चुकी है महंगाई से। कोई भी जो सामान है, आप देखे हो उनका जो जुमला होता था चुनाव के समय में, 100% फेल हो चुका है, और यह जनता 2024 में उनको सूद समेत उनसे बदला वापस ले। सर, प्रधानमंत्री का जो है इशारों में हमला था, कहना था कि कुछ लोग जो है गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, क्या माना जाए कि महागठबंधन का असर दिख रहा है, प्रधानमंत्री तक संदेश पहुंच चुका है? देखिए, जब तक उनके पार्टी में था तो वो सदाचारी था, और आज वो दूसरे जगह चले गए, आज वो अपना कार्य करने लगे, वो जान गए कि आप हमारे साथ रह के मेरे पीठ पर छुरा भोंक रहे थे, तो आज वो भ्रष्टाचारी हो। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी के जुमलेबाजी को सभी लोग जानते हैं, हर एक भारत के नागरिक को 15 लाख रुपया देंगे, उसका क्या हुआ आप ही लोग बताइए। आप बोले थे कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? आज 8 वर्ष से भाजपा का सरकार है, 8 × 16 16 करोड़ नौकरी होना चाहिए।
आप कहते हैं कि आप अपना बताओ कि 10 लाख नौकरी कब दोगे, तो भाई आप बताओ पहले 2 करोड़ नौकरी कब दोगे। अगर आप हमसे सवाल करते हैं तो उसी 2 करोड़ नौकरी में बिहार भी तो होगा। इस बिहार, अगर भारत में 28 स्टेट है तो उसमें एक स्टेट बिहार भी तो है, तो मेरा भी तो उसमें हिस्सा बनता है 10 लाख। तो आप किस रोजगार की बात करते हैं? सर, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया जो है बिकी हुई है, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस की तबादला नहीं हुई है, फिर भी जो है इतना ग्राफ दिखाया जा रहा है, या फिर क्राइम जो बढ़ रहा है उसे दिखाया जा रहा है? क्या मानते हैं कि आप लोग विपक्ष में थे तो सारी बातें नहीं रख पाते थे? देखिए, मीडिया बिकी हुई है, हमने सभी मीडिया के बारे में नहीं बताया। 1-2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं जो गोदी मीडिया के रूप में कार्य करते हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताया है, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज नई नई सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, और कहीं भी अगर किसी पारिवारिक मामले में, पारिवारिक कलह में भी कोई अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसको मुख्य चैनल पर दिखाया जाता है, राष्ट्रीय चैनल पर दिखाया जाता है। तो क्या कोई एक हत्या दिखाना वही पारिवारिक कलह में हो जाए, किसी के जमीन विवाद में हो जाए, आपको लगता है कि यह उचित है? राष्ट्रीय स्तर का यह न्यूज हो सकता है? मैं इसीलिए बोला कि केवल बिहार के छवि को खराब करने के लिए कि गठबंधन का सरकार आ गया तो बहुत गलत हो गया, इसके लिए मीडिया सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो हमारे भाजपा गवर्नमेंट है केंद्र में उसके इशारे पर कार्य कर रही है।